हे गाइस, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू बियॉन्ड माय लिमिट्स। ये मेरा आज का दूसरा ब्लॉग है और देखो कॉल आ रहा है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ज़्यादा नहीं है ऐसा, ठीक है। तो कॉल पे बात हो गई है। तो यस, आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है आप लोगों का, घर पे वर्क फ्रॉम होम या आप घर पर हैं, क्या कर रहे हैं, आप सेफ हैं? बस यही जानना है मुझे, सेफ रहिए। और मैं तो कर रही हूँ अभी सुबह के, मतलब कितने बजे हैं, 11:30 बज रहे हैं, 11:30 हो रहा है अभी, और मैं कर रही हूँ अपना ऑफिस का काम। और देखिए परी मैडम मेरे ना यूँ होता ना भंवरा मंडराता रहता है यूँ आगे पीछे, तो मुझे ये अकेला छोड़ती नहीं है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ ऑफिस का काम। और ये देखो, ये मैडम देखो मेरे बाजू में क्या कर रही हैं आप देखो, अकेले 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 कैसे कोई खेल सकता है, वो परी से सीखो, आप सीख सकते हो आप अगर अकेले हो तो। तो परी देखो अकेले क्या कर रही है। हाय परी, हेलो गाइस, देखो जस्ट खेल रही हूँ, चेस खेल रही है, चेस 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 खेल रही है, ये देख रहे हो आप। मैं खेलू चेस। तो अकेले कैसे खेल लेती हो? ऐसे खेल लेते हैं, कोई तो ये है नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। अच्छा, तो मैं अपना जल्दी से ऑफिस का काम खत्म कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ चेस खेलूंगी, ठीक है? ठीक है, थोड़ी देर अभी, मतलब थोड़ी देर, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बीच बीच में मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है? पर पूरा काम कंप्लीट करके देना, वरना ना बीच में हम खेलते हैं ना, तो जब भी खेलती हूँ ना बीच में के कॉल्स आते रहते हैं, फिर मैं बताऊँ मैं क्या करूँ अभी गेम के बीच में। हाँ, तो कॉल्स आएंगे ना, ऑफिस का काम करना है तो कॉल्स आएंगे, मेल्स आएंगे, सब कुछ तो होगा ना, जल्दी से खत्म कर लो फिर। सही है आइडिया, मैं कोशिश करूँगी, कोशिश 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 करेंगे हम जल्दी से अपना काम खत्म करने की। 11:32 12:00। अच्छा, अभी परी ने नहाया नहीं है ना, तो परी अभी नहाएगी। पहले मैं सोची 11:00, फिर मेरे को पर एक वो काम आ गया, फिर मैं सोची 11:30 पर 11:30 तो हो ही गया, तो इसीलिए फिर मैं बाद में अभी 12:00 नहाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ, फिर खाना बनाना है, खाना नहीं बनाया मैंने अभी तक, सिर्फ ब्रेकफास्ट इन लोगों के लिए मैंने बनाया था। और मेरा तो आज फास्ट है, तो मैं फास्टिंग पे हूँ। और जो है मेरा कैसा वाला फास्ट है, वाटर थेरेपी वाला फास्ट है ये, वाटर थेरेपी कर रही हूँ मैं, मतलब मैं पानी पी सकती हूँ, नींबू पानी पी सकती हूँ, नारियल पानी पी सकती हूँ, और कुछ नहीं। तो शाम को मैं खाऊंगी, बट 8:00-7:00 के बाद खा सकती हूँ मैं, अभी नहीं। तो अभी मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ, पानी पी के अपना गुजारा कर रही हूँ, बट इन लोगों के लिए मुझे लंच यू नो बनाना है, तो थोड़ा काम करते हैं। इनका देखो चिकन मेट हो गया, पता नहीं कहाँ से चिकन मेट करती रहती है। मैं चेक इन वन मोर थिंग, पता आपने, आपको लॉकडाउन में मैंने एक चीज मतलब सीखी है, मुझे चेस खेलना बिल्कुल नहीं आता था, बट लॉकडाउन में मैंने चेस खेलना सीख लिया है, और मुझे अपने ऊपर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने चेस खेलना सीख लिया है। क्योंकि इन्होंने मेरे को 3 बार हरा दिया है। नहीं, इसलिए नहीं, बट मुझे चेस खेलना मैंने सीख लिया है, और मैं सोचती थी कि चेस एक माइंड गेम है, और सच में माइंड गेम है। तो अगर मुझे वो गेम आ गया है तो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मुझे चेस खेलना आ गया है, और सिखाने वाला में और कोई नहीं है, पता है कौन है सिखाने वाले, मेरी बेटी। और मैं ऑलमोस्ट सीख गई हूँ, और मैं अच्छा खेलती हूँ। परी को तो मैं कभी कभी हरा भी देती हूँ, क्यों परी? पर मैंने भी इनको 4 बार हराया, 4 बार नहीं 5 बार हराया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे चेस खेलना आ गया, ये आप भी कुछ सीखना चाहते। तो लॉकडाउन में और कुछ किया चाहे नहीं किया, काम तो करते ही रहते हैं, वो तो ठीक है, रेगुलर है वो, बट कुछ नया सीखा मैंने तो वो है चेस।
टीचर सिखा मैंने खेलना, आपको नहीं आता तो आप भी सीख लो, इजी है यार, मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है, डन, ठीक है, सीखो। हे गाइस, आई विल शो यू समथिंग। अभी देखो, परी के लिए हमने पहले एक घर खरीदा था, घर मतलब वो नहीं होता बच्चों के खेलने वाला घर ऐसा, तो वो कुछ वो फट गया, कुछ हो गया उसमें, तो फिर परी ने ना आज देखो खुद से ब्लैंकेट और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें, सोफ़ा, वो सबको उसने मतलब पूरा अपना एक सेटअप बनाया है और अपना एक यू नो घर जैसा बनाया है, और वो उसी में बैठी हुई है तब से। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखो कैसे मतलब उसने एंट्रेंस बनाई है एंड सोफ़ा को थोड़ा पास लाके कुछ कुछ किया है। लेट्स सी, हाँ आपको भी हंसी आएगी आप देखोगे तो, जस्ट अ सेकंड। तो ये गाइस लेट्स सी, देखो ये परी को क्या कर रही है, अपना एक इसने घर बनाया है। दिस इज अ विंडो। अच्छा ये विंडो है। हाँ, अच्छा हाँ एंट्रेंस यहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ एंट्रेंस मैडम का कहाँ है। ये देखो ये ये पिल्लोज रखे हैं इन्होंने एंट्रेंस के लिए, तो हम चलते हैं एंट्रेंस से। नॉक 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 नॉक, ऐसे ऐसे करो तब अच्छा, खुलेगा। ये है नॉक 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 नॉक। ओ ये तो बहुत अंधेरा है, आपके घर में लाइट नहीं है? है भाई है। क्या क्या है ये ब्लैंकेट क्यों रखा है आपने, ये ब्लैंकेट क्या है? ये तो फिर डबल साइडेड है, हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अच्छा, और यहाँ बैठ सकते हैं। और मेरे पास मेरे खाने, और मेरे पास पता है डस्टबिन भी है यहाँ। डस्टबिन भी है? तो वो क्या है, वो ब्लैंकेट वहाँ क्यों है? ये ब्लैंकेट को मैंने इतना करके मैंने उसका ऐसे ऐसे रोल रोल कर दिया। तो और ये टेडी बेर क्यों? और ऐसे ही तो कि मेरे को अच्छे लगता है। ये है मेरे पास, और ये अच्छा। मैं है, ये है, मैं हमेशा इसके साथ सोती हूँ। अच्छा। मेरे पास ये है। अच्छा। और खाने पीने के लिए भी है मेरे पास, पता है क्या है आपके पास खाने के लिए? आपके घर में आएंगे तो कुछ खाने वाने को मिलेगा? हाँ। क्या है? अच्छा हाँ, मेरे पास ये रिंग्स हैं, चकोड़ी। हाँ जो भी है गाइस, इसे यहाँ पे चकोड़ी बोलते हैं, चकोड़ी। मैंने एक आधा पैकेट ही बचा भी है। अच्छा। और मैंने तीन के लिए गाइस सी हर डस्टबिन, और डस्टबिन में क्या क्या, ये देखो सोफे के पीछे इसने डस्टबिन लगाया है। ये था तो मैंने इसे लटका दिया। और ये क्या है? स्ट्रॉ, इससे पानी पीऊंगा। अच्छा स्ट्रॉ से पानी पियोगे। और इसमें बनाना क्या पील है, और क्या है? आलू भुजिया का पैकेट है। आलू भुजिया लाया था, मेरे को भूख लगी, मैंने वो खा लिया। तीन केले थे, मैंने एक खा लिया, अभी दो बचे हैं। और मेरे पास वो केले कहाँ है? यहाँ है, यहाँ से देखोगी तो मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी देखो मैं बोल रही ना वहाँ। और मेरे पास सैनिटाइजर एंड टिश्यू पेपर भी है। कहाँ है दिखाना है? हाँ। ये देखो सैनिटाइजर टिश्यू पेपर, सैनिटाइजर, दिस इज द सैनिटाइजर। ओके एंड आई हैव थ्री टिश्यू पेपर्स थ्री और टू नहीं टू टिश्यू पेपर्स। एंड गाइस देखो, और मैंने अपने ताकि मैं बोर ना हूँ, मैं चेस ही खेलती हूँ हमेशा, मेरे को चेस ही पसंद है और दूसरा नहीं पसंद, तो मैं चेस यहाँ अपना बोर्ड भी ली हूँ। और देखो गाइस ये डबल साइडेड है, हम यहाँ ऐसे लेट भी सकते हैं ऐसे आराम से। यहाँ पर कम दिख रहा है पर है बहुत, और एक यहाँ भी लेट सकते हैं, आपको दिखाती हूँ। हाँ, वो तो सोफे पे लेट ही जाओगी। ये ऐसे पैर रखने के लिए। वेरी नाइस, अच्छा है आपका घर तो। देखा तो ये जुगाड़, देखा मेरी बेटी का ये जुगाड़ बनाया है इसने, अपना घर बनाया है। और रात को ये घर फिर हम क्या करेंगे इसे, मम्मा इसको तोड़ देती है ना। हाँ। रात को मैंने कल भी बनाया था पर वो छोटा था, मम्मी ने ही तोड़ दिया, पता है मैं कल उसी में सोई थी। हाँ कल रात को परी ने ऐसे ही कुछ घर बनाया था, और वो रात को फिर हम लोग खा के थोड़ा ऐसी वेब सीरीज देख रहे थे, तो हमने देखा परी उसके अंदर ही सो भी गई है, तो ऐसे ही कुछ बनाया था कल भी, ऐसे ही कुछ सेटअप था मैडम का, और उसी में वो सो भी गई थी। तो मैं अभी फिलहाल आई हूँ परी के इस प्यारे से घर में,
और हम कर रहे हैं आराम फरमा रहे हैं हम लोग। हाँ, और शाम हो चुकी है। हाँ तो परी, मैं तो कुछ खा नहीं सकती, तो मेरे लिए क्या है आपके घर में? आपके घर में गेस्ट आते हैं तो कुछ देती नहीं हो आप? देती हूँ ना, पानी है। पानी है। अच्छा, वरना कितना पानी वाटर भी है। कोकोनट वाटर भी है। वेरी गुड वेरी गुड, ज़रूर ज़रूर लेंगे हम। तो गाइस, अगर आपको भी परी का ये घर पसंद आया हो और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और देखिए इसी तरह अपने घर पे कोई कुछ ना कुछ करते रहिए, बच्चों को जुगाड़ बनाते रहिए। हमेशा बाहर से खिलौने खरीद खरीद के देना बच्चों को इज नॉट राइट, इट्स रियली नॉट राइट। हमेशा आप अपने बच्चों को खरीद खरीद के चीज़ें जो देते हैं उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, दैट्स रियली नॉट राइट। तो उन्हें कुछ अपने आप से करने दीजिए, दैट्स रियली गुड। वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो सीखते हैं ये सब करके। तो यस, मैं इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप भी अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। ये लाइट देती हूँ थोड़ा। भूतिया इफेक्ट इसमें हॉरर सॉन्ग डाल देना। या तो कल घर बैठे बैठे, वैसे तो मेरे थोड़े सिल्की हेयर है, देखो मैंने थोड़े कर्ल कर लिए थे, कल मैंने थोड़े कर्ल किए, बट कल अच्छे लग रहे थे, आज उतने अच्छे नहीं लग रहे। घर में बैठे बैठे क्या करूँ क्या करूँ, तो ये किया मैंने। हाँ तो अब गाइस, अब मैं जा रही हूँ, मतलब शाम हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ अब डिनर प्रिपेयर करने। और मैं आपको, जैसे मैंने सुबह बताया था कि मैं डिनर करती हूँ, मतलब मैं डिनर करूँगी सुबह से। मैं भूखी हूँ, प्यासी तो नहीं हूँ बट भूखी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर प्रिपेयर करने। मैं भी अभी एक्सरसाइज करूँगी, राक्षसों की तरह मैं अभी अपना खाना खाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। तो यस, आप प्लीज़ अपने घर पर रहिए, लॉकडाउन को पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करिए। मम्मी ने वादा नहीं पूरा किया। कौन सा वादा? अभी मम्मी वो क्लिप लगाएंगी। क्लिप? हाँ अभी एक सेकंड। ए क्या क्लिप? नहीं रिवर्स में, याद है सुबह सुबह हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, सुबह सुबह एकदम। हाँ तो क्या बोला था मैंने? तो मम्मी ने बोला था मेरे को कि मैंने जब आपने खुद बोला था कि एक बार मेरा ऑफिस का काम होने दो फिर मैं आपके साथ खेलूंगी, आपने ही बोला था। तो अरे मैं भी खेलूंगी ना, डिनर करके हम लोग एक बार जरूर खेलेंगे एक बार। अच्छा ये अभी ऑफिस के काम से अभी डिनर के बाद की काम आ गई। ओह हो, अरे बेटा थोड़ा भूख लगी है ना, थोड़ा खा लूँ मैं। अब इतना अच्छा तो आपने घर बनाया, मैं आपके घर पे भी आई, आप मुझे अब नारियल पानी भी पिलाओगे। तो कितना बोल रहे हैं हम लोग। तो गाइस घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्यार से रहिए, हंसते हुए रहिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। और यस, इस मैसेज के साथ, और अपने बच्चों को प्लीज़ अपने बच्चों को घर की चीज़ों के साथ खेलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा बाहर की चीज़ें खरीद के मत दीजिए, अभी तो वैसे भी आप नहीं दे सकते खरीद के क्योंकि दुकानें जो बंद हैं। पहले मेरे को नहीं, बस पहले मेरे को टॉयज खरीदना बहुत अच्छे लगते थे, पर आजकल मेरे को नहीं बस, मेरे को घर में खेलना चाहिए। तो यस, आप भी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत घर में ही यू नो चीज़ों से खेलने दें, दैट इज़ गुड। और ना बोले हर चीज़ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए उन्हें नो बोले, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप हर चीज़ पे उनके यस 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 मत करिए, आप यस बोल के उन्हें बिगाड़ रहे हैं। तो प्लीज़ कभी कभी ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मैसेज के साथ मैं आपको आज के लिए अलविदा बोल रही हूँ। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो हम चेस खेलने वाले थे। खेलेंगे बेटा, डोंट वरी, हम खेलेंगे। अरे कब खेलेंगे? खेलेंगे। तो अभी बाय 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 बाय। अरे मुझे रीजन दो।
अरे रीजन कुछ नहीं, हम खेलेंगे, बोल मैं डब्बा खोल लूं यहाँ पर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉमिस आई विल प्ले विद यू। अरे हाँ पता है पर तो से बाय, से बाय, हम खेलेंगे ना बाद में। गाइस मैं अब एक दिन आपको ना वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कितना अच्छा चेस खेलती हूँ, और परी भी बहुत अच्छा सीख गई है, हम दोनों अच्छा सीख गए, तो हम वो भी आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन दैट विल कम इन आवर मे बी इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज बियॉन्ड माई लिमिट्स। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपको अपने बारे में कुछ अच्छा अच्छा बताऊँ, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय, स्टे होम हैव फन, बाय बाय, स्टे होम हैव फन, ये लोग आए परी की तरफ से चकोड़ी खाओ, बाय बाय। मम्मी।